सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए एक डॉक्टर ही चाहिए जो आपको ठीक से इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये इम्प्लांट्स के बारे में कि इम्प्लांट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा मटेरियल होता है एंड कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वही सारी चीज़ मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। मोस्टली आपको फील होगा कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लांट्स टाइप्स डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे इम्प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं वो किस चीजों किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, सबसे पहले वो हम जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नी में कौन सा प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बेस पे ही इम्प्लांट के टाइप को डिसाइड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एनाटोमी। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि एनाटोमी तो सभी की सेम होती है, सभी के लेग्स सेम होते हैं, सभी को ज्वाइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर एक जो एनाटोमी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एनाटोमी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनाटोमी कौन सी है। तो उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो है एनाटोमी। तीसरा जो पैरामीटर है दोस्तों यहाँ पे एज है, क्योंकि एज के साथ बॉन जो होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते हैं, तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर किसी की एज बहुत ज्यादा है तो बॉन स्ट्रेंथ कम होगी, तो उस केस में रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है वेट के, पेशेंट का वेट कितना है। अगर वेट 70 केजी है मान लीजिए, तो उस हिसाब से फिर इम्प्लांट की स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है और उसके बाद आगे के पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आपको वेट भी मेंटेन शायद से करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ेगा तो ये जो इम्प्लांट है उसके ऊपर भी वेट बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल समझाऊंगा। मान लीजिए ये एक इम्प्लांट है, उस पर हर रोज 70 केजी का वेट आ रहा है और उसको वो बैर करने के लिए कैपेबल है, वो कैपेबल है कि उसको 70 केजी का वेट जो है वो ले पाए। लेकिन अगर उसको सडनली ये जो वेट है वो 90 केजी मिलने लगेगा तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, क्रैक आ सकती है, काफी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो वेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर किसी पेशेंट का वेट 50 केजी है और उससे 30 केजी का इम्प्लांट डाल देंगे तो भी दिक्कत आ सकती है, तो ये वेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आता है एक्टिविटी लेवल, कि आपकी रूटीन एक्टिविटीज क्या है। मान लीजिए आप अगर शेफ है तो आपको खड़े रह के कुकिंग करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिर भी देखा जाता है और इम्प्लांट के टाइप को डिसाइड किया जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स है, उसके अलावा भी काफी सारे और पैरामीटर्स होते हैं लेकिन वो बहुत ही डीप मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन कॉमन इतने पैरामीटर्स को कंसिडर पहले किया जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो नी रिप्लेसमेंट है, ये जो इम्प्लांट है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये नीचे का ये इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो उसे कहा जाता है, शायद से आपको ये दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, उसे कहा जाता है टीबियल कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो आप डिजाइन वाला पोर्शन देख रहे हो टीबियल कंपोनेंट के ऊपर की ओर, उसे कहा जाता है प्लास्टिक स्पेसर, जो ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट को स्पेस देता है। उसके बाद दोस्तों आता है फीमोरल कंपोनेंट, जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है। अब ये रफ डायग्राम है, इसका डिजाइन शेप साइज माइनर चेंज आता है, लेकिन ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट है उसमें बहुत सारे डिजाइंस होते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बहुत सारे डिजाइंस होते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कौन सी है, एनाटॉमी क्या है, एज क्या है, वेट क्या है, एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके बाद वो इम्प्लांट को सिलेक्ट करके पेशेंट के अंदर लगाया जाता है। अब इम्प्लांट के डिजाइन के बाद जो मेन कंपोनेंट है वो है मटीरियल। अब मटेरियल भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे शायद से आपको पूरा नहीं दिखेगा, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मटेरियल जो है वो मोस्टली टिटेनियम और कोबाल्ट क्रोमियम यूज होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। एंड यहाँ पे जो प्लास्टिक मटीरियल है, जो प्लास्टिक स्पेसर है, वो भी हाई मोलिकुलर वेट पोली इथिलीन मटीरियल से बनाया जाता है, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो जो है वो
पूरा घिस ना जाए, लॉन्ग टाइम तक वो वेट बैर कर सके, लॉन्ग टाइम तक उसे रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए अच्छा वाला मटेरियल ही इसमें यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो उसे यूज कर ही सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज है, उसे फॉलो करना पड़ता है। उसमें से एक क्राइटेरिया है बायो कंपैटिबल। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि बायो कंपैटिबल क्या है एंड बायो कंपैटिबिलिटी क्या है दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सिंपल बायो कंपैटिबल का मतलब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ऐसा मटेरियल जिसे हम अगर बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो हमारे टिश्यूज को, हमारे बोन को, ब्लड को, बाकी बॉडी फ्लूइड से उस मटेरियल को कुछ नहीं होता, प्लस हमारी बॉडी को भी कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अगर वो एक नॉर्मल मेटल है तो वहां पे पानी जो है ऐसे जंग लग सकता है और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो बहुत ही शार्प है तो टिश्यूज कट हो गए, ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बायो कंपैटिबल होना चाहिए, तभी जाके उसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डुप्लीकेट फंक्शन। अब यहाँ पे हम इसे यूज करते हैं कि वो जो नी ओरिजिनल नी है उसका फंक्शन रेप्लीकेट कर सके, उसका पूरा जो फंक्शन है वो बदल सके। तो वो करने के लिए वो सक्षम होना चाहिए कि वो जो नी काम कर रही है उसी तरह से वो काम करना चाहिए। हाँ, कुछ लिमिटेशन जरूर से आता है, लेकिन एटलीस्ट वो चलने फिरने में उसकी तरह काम करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रेंथ, स्ट्रांग इनफ, वो मजबूत होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ही मैंने आपको बताया कि अगर वो 70 kg का वेट ले रहा है तो ऐसा ना हो कि 71 हो जाए तो वो टूट जाए। हम जब चलते हैं तब कम वेट लगता है, लेकिन अगर कोई गड्ढा आ गया तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, हमारा पैर जो है वो थोड़ा ज्यादा नीचे जाता है। सिंपल एक और एग्जांपल समझाऊंगा। मान लीजिए आप ऐसी सरफेस पे चल रहे हो तो आपको आपके लेग्स पे बहुत ही कम वेट जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह चढ़ोगे तो अगर आप इस तरह उतर रहे हो तो वेट जो है वो ज्यादा कम हो सकता है। तो उस केस में वो टूट नहीं जाना चाहिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो 100% रिजिड होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी 100% होनी ही चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर आप चल रहे हो आपका पैर थोड़ा मुड़ा तो वो इम्प्लांट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आफ्टर सर्जरी। ऐसा नहीं है कि आप नीचे बैठ के खाना खा सकते हो, आप चल सकते हो, आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि अगर उस पर कहीं और से स्ट्रेस आता है तो वो बैंड ना हो जाए, टूट ना जाए। एंड लास्ट में आता है दोस्तों वो है शेप। अब उसका जो शेप है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप भी डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शेप डिफॉर्म हो जाएगा तो पूरी सर्जरी फिर से करनी पड़ेगी। तो मटेरियल में एटलीस्ट इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर थोड़ा वेट आएगा तो उसका शेप नहीं बदल जाए। प्लस यहाँ पे मान लीजिए ये कोई इम्प्लांट प्लेस किया है, डॉक्टर बता रहा है कि 7 years तक चलेगा, 3, 4, 5, 6 एंड लेट्स से 7 years, यहाँ पे 7 years के लिए डॉक्टर ने बोला है कि वो चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे साल में ही उसका शेप बदल जाए। वो जो मटेरियल है वो 7 years तक उसी शेप में रहना चाहिए, उसमें उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो मटेरियल इम्प्लांट में यूज होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सारी टेक्निकल चीजें बताई वो एक मटेरियल डिजाइन करने से पहले ध्यान में रखनी पड़ती है कि क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मोस्टली इम्प्लांट जो है वो ऐसा नहीं होता है कि भाई रेडी ही होता है, मोस्टली डिपेंड करता है कि उनकी साइज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, शेप क्या है, वही सारी चीजों के बाद उसे ऑर्डर किया जाता है और कुछ दिन बाद वो रेडी होके मिलता है। तो यहाँ पे इम्प्लांट मतलब जो सर्जरी हो रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो इम्प्लांट ही है। अगर इम्प्लांट की साइज गलत है, मटेरियल गलत है, शेप गलत है, तो पेशेंट को ही दिक्कत होगी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई वो हो गई इम्प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इम्प्लांट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। डिजाइन के बारे में मैंने इमेजेस आपको दिखाई। उसके बाद मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया एंड मटेरियल सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों ये सारी चीज हो गई नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स के बारे में। इतना ही, आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख पाए, उन्हें भी अवेयरनेस मिले।
दोस्तों मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, अवेयरनेस आए। अगर आपको ऐसे ही दमदार वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों ये करना बिल्कुल ही फ्री है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओगे। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।